नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्लानेट में। तो फ्रेंड्स, आपके मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर एक बार हमें ये बता दीजिएगा जो एस्टेट पेपर फर्स्ट की आंसर की आई है दोनों ही शिफ्टों में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं जिन पर हम आपत्ति लगा सकें और हमारा एक दो नंबर से रह रहा है वो हमारा क्लियर हो जाए। तो आज मैं आपसे कंप्लीट चर्चा करने वाला हूँ आपको कौन कौन सी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति लगाना है, ठीक है, और आपको किस प्रकार से आपत्ति लगाना है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं आपका। देखिए, अब एसटेट का आंसर किया गया है, एसटेट का आपका जो सफर था, जो इंतजार था, अब वो आपका खत्म हो गया है। आप सभी के लगभग एक दो को छोड़कर के सभी का अच्छा स्कोर आ रहा है, 100+ सभी के नंबर आ रहे हैं। तो सभी को बधाइयां, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए। तो अब आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया, अब आपको सेकेंड स्टेप पर जाना है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि आपका बीपीएससी का मेन्स आपका यही आपका आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आपकी सफलता में सबसे बड़ा हाथ इसी का रहेगा। तो आपका TRE 4.2 बीपीएससी का अब आपको तैयारी में लग जाना है। आपको आंसर की का इंतजार था और रिजल्ट का अब आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आंसर की आपकी मेन है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप क्वालिफाई हो रहे हैं, तो आप क्लियर हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको तैयारी करना है बीपीएससी TRE 4.2 की। तो कंप्लीट आपका बैच आ गया है, कंप्लीट आपको तैयारी करवाई जा रही है, फुल तैयारी करवाई जा रही है, शानदार आपकी तैयारी करवाई जा रही है, कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। तो देखिए, आप इसमें हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, तो फुल आपका म्यूजिक करवाएंगे। देखिए, अब आपको ये भी नहीं पता है कि म्यूजिक में सिलेबस क्या आता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। म्यूजिक का जो सिलेबस है आपका, तो म्यूजिक का सिलेबस क्या रहेगा आपका, NCERT रहेगा, ठीक है, NCERT और आपका SCERT, इन दोनों का जितना भी टॉपिक है आपका रहने वाला है सिलेबस के फॉर्म में, ठीक है। अब मैं आपको कंप्लीट NCERT करवाऊंगा, कंप्लीट आपका पेपर फर्स्ट और पेपर जो आपका TRE 1st हुआ था ना, TRE 2nd हुआ था, उन सभी का मैं कंप्लीट आपको टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है। तो कंप्लीट आपका सिलेबस में कवर करवाने वाला हूँ। संगीत में आपको कोई समस्या नहीं आई, जिस प्रकार से स्टेट में जिन साथियों ने 15-20 दिन भी तैयारी की थी बैच लेकर के उनका सिलेक्शन हुआ है, उसी प्रकार से अगर आपसे आज से आप जुड़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखिए, आपका कंप्लीट हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, कंप्लीट आपका सिलेबस का नोट्स मिलेगा, प्रिंटेबल नोट्स मिलेगा, इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, शानदार रहेगा आपका, 1000+ MCQ मिलेगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज, यानी कि आपको टेस्ट सीरीज लेने की कोई जरूरत नहीं है, बीपीएससी के पैटर्न पर हम आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे, और आपका 5 PYQ टेस्ट मिलेगा, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर टेस्ट फॉर्म में मिलेगा, एप्लीकेशन पर मिलेगा, आपका 3 पेपर TRE 1st और TRE 2nd का हुआ है, और 2 पेपर आपका अभी आने वाला TRE 3rd का हुआ। तो सभी का मैं कलेक्शन एक साथ लेकर के आपको एप्लीकेशन पर टेस्ट के फॉर्म में डाल दूंगा, तो आप अपने आप को देख पाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको EMRS, GTPLSV और KBS का भी PYQ आपको मिल जाएगा। ये कंप्लीट फुल तैयारी आपको मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश भी आपको साथ में मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको जनरल का भी पेपर आपको मिलेगा। हमारी तैयारी चल रही है कि आपको कोई क्लासेज लगवाएं, अगर क्लासेज नहीं लगेंगी तो आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आई, और आपको गाइड कर दिया जाएगा किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या करना है। 1500 रुपये इसका फीस रखा गया है। अभी आप अगर अभी इसको डाउनलोड कर आपको इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको 1200 रुपये मिलेगा। अभी आप इसमें 300 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए, तो आपको 1200 रुपये में मिलेगा। सभी ज्वाइन कर सकते हैं, आपने हमारा तरीका देखा ये पढ़ाने का, मैं ही आपको म्यूजिक पढ़ाऊंगा और सबसे ज्यादा शानदार आपका म्यूजिक ही रहने वाला है, क्लियर। अब देखिए, अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के साथ साथ, आप UP TGT देना चाहते हैं, NVS KVS EMRS देना चाहते हैं, बीपीएससी देना चाहते हैं, और तमाम आपका जितना भी कोर्स हमारी ऐप पर लॉन्च होगा उन सभी का आपको एक्सेस मिल जाएगा अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच लेते हैं। अगर आप ब्रह्मास्त्र लेंगे, ऑल इन वन तैयारी मिलेगी, सभी बैच आपको मिलेंगे, मात्र 2500 रुपये इसकी फीस रखी गई है। कितनी? 2500 रुपये। आपका जितना भी देखिए बीपीएससी, NVS, EMRS, KVS, एस्टेट, आने वाला आपका एस्टेट और आपका UP वाला, तो इन सभी के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सभी को अलग अलग से पे नहीं करना है, आप ब्रह्मास्त्र बैच ले लीजिएगा, कंप्लीट आपको तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसमें फुल सिलेबस करवाएंगे, आपको पता ही है जो चीज़ अपन स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं, और आपको पता है जब फ्री में आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन पर आप सोचिएगा कितना बेहतरीन आपके लिए अपन करने वाले। तो आपके लिए फुल यहाँ पर तैयारी रहेगी, ठीक है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब हम आपका चर्चा करते हैं, चर्चा करने वाले हैं आपका, देखिए जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग है उस पर,
इन पर आप आपत्ति लगाइएगा, ठीक है, इन पर आप आपत्ति लगाइएगा, आपका नंबर बढ़ेगा। रागांग पद्धति किसने स्थापित की? देखिए रागांग पद्धति आपका नारायण मौर्य और खरे ने स्थापित की थी, लेकिन आपका यहाँ पर बी एन भातखंडे जी माना गया है, तो ये आपका रॉन्ग है, इस पर आप आपत्ति लगाइएगा, ठीक है, इस पर आपको आपत्ति लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदात्त अनुदात सुरित स्वरों के भेद किस युग में पाए जाते हैं? तो इस पर आपको आपत्ति लगाना है। देखिए इसमें आपका इन्होंने ऋग्वेद बोला है, लेकिन आपका जो करेक्ट रहेगा सामवेद, ठीक है, सामवेद रहेगा, तो आप इस पर आपत्ति लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, वे वाद्य जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और आघात किए जाने से बजते हैं, यानी कि चमड़े के जो वाद्य होते हैं उन्हें आपका अवनद्य वाद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका अवनद्य वाद्य, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी नहीं है और यहाँ पर आपका धन दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आप इस पर भी आपत्ति लगाइए, ठीक है। अरे ये तो मतलब वो खुद ही अपना चेक करेंगे ना, तो आपको बोनस अंक मिल जाएगा, फिर भी आप आपत्ति लगाइएगा। इसके बाद आपका विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रिय वाद्य कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर आपका प्रिय वाद्य आप सब बोलेंगे सर वायलिन है, सही आंसर है, लेकिन आपका इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे, कहीं भी आप सर्च करेंगे, तो आपका इसके लिए दो आपको मिलेगा, क्या दोनों मिलेगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पर वायलिन और आपका जो पियानो दिखाई दे रहा है ना आपको, वायलिन और पियानो, ये पियानो वाद्य की माताजी बता दी, माताजी का वाद्य था पियानो, और जो वायलिन है ना इनकी माताजी ने इनको 13 वर्ष की अवस्था में प्रोवाइड किया था, तो ये इनके लिए दोनों आपके वाद्य महत्वपूर्ण है, तो ये दोनों वाद्य इनके लिए प्रिय थे। अगर आप आपत्ति लगाएं, 50 रुपये की आपत्ति है, कोई बड़ी बात नहीं है, लगाइएगा, क्या पता आपका एक नंबर से छूट रहा हो तो इससे नंबर आपको मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं जपताल और सुलताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप जपताल और सुलताल में देखेंगे कितनी मात्राएं होती हैं, जपताल और सुलताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो देखिए आपका इसमें 10 मात्राएं होती हैं, 10 मात्राएं होती हैं आपको पता है, इसमें क्या बोला गया आपका 7 मात्राएं, तो ये भी आपका रॉन्ग है, इस पर भी आप लगाइएगा, ठीक है, इस पर भी आप लगाइएगा आपत्ति। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये था आपका पेपर फर्स्ट का, तो आप देखिएगा पेपर फर्स्ट का कितना क्वेश्चन गलत था, 1, 2, 3, 4 और 5, देखिए एक आपका आइंस्टीन वाला है, अगर आप उसको छोड़ेंगे तब भी आपका 4 गलत है, 4 नंबर आपको मिलेंगे 100%, क्लियर है। अब देखिए अब हम बात करेंगे आपका पेपर सेकंड में, तो पेपर सेकंड में हम यहाँ पर आपका चर्चा करेंगे, फर्स्ट में आपका तबला में बोलों के समूह को कहते हैं, तबला में बोलों के समूह को कहते हैं, तो कड़ा पढ़न कायदा पलटा, अब देखिए इन्होंने माना है आपका पलटा, लेकिन मैं आपको एक यहाँ पर वो लेकर के आया हूँ स्क्रीनशॉट, सरकारी बुक का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। टुकड़ा यहाँ पर बोला गया, टुकड़ा, टुकड़ा शब्द के अर्थ के अनुसार तबले में बजने वाले किसी भी छोटे या बड़े समूह को टुकड़ा कहा जाता है, कहा जा सकता है, क्या होता है आपका तबले में बजने वाले किसी भी छोटे या बड़े समूह, छोटे या बड़े समूह को टुकड़ा कहा जाता है, बजने वाले बोलों किसी छोटे बड़े समूह को टुकड़ा कहा जाता है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम आपका लेके चलेंगे, सभी बताना किस प्रकार से आपका रागांग पद्धति किसने स्थापित की, ये आपका देखिए वही है, लेकिन आपका पेपर सेकंड है आपको, और ये आपका शिफ्ट आपका सेकंड है, पेपर सेकंड नहीं आपका शिफ्ट सेकंड है, शिफ्ट सेकंड है आपका, तो शिफ्ट सेकंड में भी आपका यही रहे, तो आप इसको लगाइएगा। देखिए आईडी आप देखिएगा 619, आपको इस आईडी के आधार पर देखना है, ठीक, अपना पेपर में क्वेश्चन देखिएगा, आपको अलग अलग आईडी मिल सकता है, तो अपने हिसाब से लगाइएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट उदात्त अनुदात सुरित के भेद के बारे में, देखिए ये क्वेश्चन वही है लेकिन आपका सेकंड शिफ्ट का है, इसलिए मैं आपको लेकर के आया हूँ। कर्नाटक पद्धति में कोमल म के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए आपका कर्नाटक पद्धति में कोमल म के स्थान पर, पहली बात तो ये आपका कोमलमा होता नहीं है, क्या आपका शुद्धमा होता है और तीव्र मध्यम होता है, बट उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है तो आप देखिएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा शुद्ध मध्यम और शुद्ध मध्यम यहाँ पर आंसर तो मिला है, लेकिन अगर किसी का कोई और था तो आप देख लीजिएगा, अन्यथा आप ना लगाए तो अभी कोई दिक्कत नहीं, सभी ने शुद्ध मध्यम ही यहाँ पर लगाया होगा। पाश्चात्य विद्वान सारेगा पदनी को क्रमशः डोरे भी फासुल्लासी कहते हैं, तो यह बताइएगा कि मी किस हिंदुस्तानी स्वर का समानार्थक है,
तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा सा रे ग म प द उन्नी दो रे मी फा सोल ला सी। तो यहाँ पर मध्यम का बोला गया है, यानी कि आपका मी का बोला गया है, मी का। तो मी का क्या बनेगा आपका मध्यम, दो रे मी, दो रे मी, मी का ग बनेगा, मी का क्या बनेगा आपका, थोड़ा सा आप देखिएगा मी आपका यहाँ पर आएगा तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो गंधार बनेगा, तो इसका राइट आंसर आपका गंधार होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आपका आंसर था, ठीक है। सभी साथी अपना देखिएगा, फर्स्ट अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें, एक दो तीन चार और पाँच, पाँच क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में आपका, चार क्वेश्चन था इस प्रकार से आपके नौ क्वेश्चन यहाँ पर गलत होते हैं, ठीक है। सभी साथी इस प्रकार से अपना आपत्ति कर सकते हैं, और कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा आपत्ति किस प्रकार से करना है वहां पर आप लेके चलता हूँ, थोड़ा सा बस आपका एक सेकंड, दो मिनट का आपका समय लूंगा। आप बोल रहे थे कि सर आपत्ति किस प्रकार से लगाना है, देखिए आप यहाँ पर जाएंगे स्टेट की आंसर की आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जब आप स्टेट की आंसर की डाउनलोड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर सर्वर डाउन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे, जब आप यहाँ पर रहेंगे, देखिए आपको आंसर की अपना डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आपका यहाँ पर आंसर की डाउनलोड होगा, ठीक है, आंसर की आपका डाउनलोड होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर की जैसे ही डाउनलोड होगा, तो आपको यहाँ पर देखिए क्रिएट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्रिएट चैलेंज आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्रिएट चैलेंज। जब आप क्रिएट चैलेंज पर क्लिक करेंगे, जब आप क्रिएट चैलेंज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो देखिए इस प्रकार से आपको बनेगा, इस प्रकार से आपको बनेगा। आपको पेपर चूज करना पड़ेगा, जनरल म्यूजिक, ठीक है। अब आपका देखिए म्यूजिक का यहाँ पर आईडी आ जाएगा, ये आपका पेपर का आईडी है। पहले आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन पर आपत्ति करना है, उसका आईडी नंबर देख लेना, 326, 327, 26, 27, 330, 331 इस प्रकार से देख के, ठीक है। जैसे आपको 344 पे लगाना है, 344 पे लगाइएगा, चैलेंज ऑप्शन पर करना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे, रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि आपका यहाँ पर क्या है, रॉन्ग एविग्यूस क्वेश्चन, ठीक है। जिसके बाद मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, तो अगर आपका एक से दो क्वेश्चन करेक्ट है तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, ऑल द ऑप्शन आंसर रॉन्ग फॉर क्वेश्चन, आपका आंसर क्वेश्चन गलत है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चूज कीजिएगा जो भी आपको लगे, और उस हिसाब से आप यहाँ पर प्रोसेस कर दीजिएगा, ठीक है। आप प्रोसेस करेंगे तो आपका इस प्रकार से आपत्ति लगेगा, पेमेंट कर देंगे 20 रुपये 50 रुपये का, आपका आपत्ति जनरेट हो जाएगा। तो आपको कोई भी प्रूफ वगैरह यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये कहना है कि ऑप्शन गलत है, या ऑप्शन दो है अधिक है, एक से अधिक है सही, या क्वेश्चन गलत है, बस इतना करना है, आपका यहाँ पर हो जाएगा। कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर लेना, नंबर चल रहा है उस पर भी कॉल कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आज का पूरा अपडेट था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी समस्या हो तो कॉल कीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद।